फ्रेंड्स, आप सभी का हेल्दी जस्ट का मैं बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक पाव की ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं जिसको कि आप ब्रेकफास्ट में, टी टाइम में, बच्चों के लंच बॉक्स में या जब चाहें तब आप बनाएं। बहुत ज़्यादा टेस्टी तो होगी ही, लेकिन हम इसको बहुत ज़्यादा हेल्दी वे में भी बनाएंगे। तो आज हम एक चना मसाला पाव की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं जो कि झटपट तैयार हो जाती है। तो आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए हमने देखिए ये पाव का पैकेट ये पूरा लिया हुआ है, पाव लिए हुए हैं। तो इसको हम देखिए इस तरह से हम इसको दो दो के पेयर में इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। साथ ही इसको कट करके हम इसको बीच में से देखिए हम इसको इस तरह से कट लगा लेंगे इनके पाव के। आइए अब इसके लिए हम बढ़िया सा चना मसाला तैयार करते हैं। देखिए चना मसाला बनाने के लिए हमने एक ये तवा लिया हुआ है। तो ये पर देखिए हम सबसे पहले ये हमने बटर, पाव है तो इसका टेस्ट बटर में ही अच्छा आएगा। आप चाहें तो इसमें ऑयल या घी भी यूज कर सकते हैं। बटर के अच्छे से मेल्ट होने पर अगर आप लोग ओनियन और गार्लिक खाते हैं तो यूज करें, अदरवाइज स्किप कर दें। ये हमने क्योंकि चना है, चने में गार्लिक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ये हमने गार्लिक लिया हुआ है। साथ ही देखिए हमने ये हमने ओनियन, चाट वाले की स्टाइल में बना रहे हैं इसलिए ये सबको हम इसका जो चना मसाला है हम इसको तवे पर ही तैयार करेंगे। थोड़ी सी हरी मिर्च अगर आप खाते हैं, देखिए हरी प्याज, स्प्रिंग ओनियन, इसमें देखिए ये पाव भाजी का मसाला, टोमेटो, थोड़ा सा देखिए नमक, सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। रेड चिली पाउडर, साथ में इसी में हो हम ये अपने चने, ये हमने ब्लैक चना बॉईल करके रखा हुआ है जिससे कि ये बहुत ज़्यादा पाव हमारे हेल्दी भी बनेंगे और टेस्टी भी और स्टमक फिलिंग भी। सभी को अच्छे से मिक्स कर दिया हमने। इसी स्टेज पर हम ये थोड़ा सा पटेटो, बॉइल्ड पटेटो है चॉप्ड, ये देखिए 1 टेबल स्पून ये हमारा चने का पानी है वो हमने ऐड किया है। थोड़ा सा ये हमारा चने का पानी था वो हमने इसमें ऐड किया है। सभी को हम अच्छे से ये देखिए मैशर से मैश कर देंगे। चाट वाले की तरह देखिए बिल्कुल बढ़िया सा चाट मसाला ये हम बिल्कुल तैयार करेंगे। ये देखिए ये हमारा बिल्कुल मसाला बढ़िया सा मैश हो गया है चना मसाला। इसी स्टेज पर अब हम इसमें थोड़ा सा ये नींबू का रस इसको भी ऐड करेंगे और ये हमारा चना मसाला फर्स्ट क्लास बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको इसी तवे पर ही यानी एक साइड से कर देंगे हम ताकि ये गर्म बना रहे और इसका फ्लेवर हमारे पाव में भी आ जाए। सारा मसाला हम एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। थोड़ा सा हम बटर और लेंगे। हमने जो अपना ये पाव इस तरह से हमने कट करके रखा हुआ था इसको इस तरह से सभी तवे पर ये बटर और ये इसको अच्छी तरह से लगा देंगे। ये देखिए दोनों तरफ से अच्छे से बटर और मसाले को लगा देंगे और अच्छे से थोड़ा सा इसको सेक लेंगे, अच्छे से थोड़ा सा क्रिस्पी कर लेंगे। देखिए थोड़ा सा हमारा ये अच्छे से सेक गया है। इसी स्टेज पर सबसे पहले हम ये थोड़ी सी ये ग्रीन चटनी इसको डालेंगे, साथ ही अपना चना मसाला इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। थोड़ी सी ये ओनियन, थोड़ा सा टोमेटो,
थोड़ी सी ग्रीन चिली, ये आलू, थोड़ा सा साथ इसमें ये थोड़ी सी ये टोमेटो केचप, थोड़ा सा ये हरा धनिया, लास्ट में ये थोड़ी सी मेयोनीज, थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर देने के लिए थोड़ी सी ये भुजिया। देखिए बहुत ही बढ़िया मजेदार, बिल्कुल चाट वाले की स्टाइल में थोड़ा सा ये हम चना मसाला ऊपर से भी लगाएंगे। तो हम इसको आपको सर्व करके दिखाते हैं। इसी तरह से हम अपने सभी चने मसाले के पाव बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए एक हमने ये सिंगल पाव तैयार किया है, अब आइए हम इसको सर्व करते हैं। देखिए ये हमारा एक बड़ा पाव है और ये हमने ये सिंगल पाव लिया है। थोड़ी सी ये चटनी, ग्रीन चटनी, टोमेटो सॉस, थोड़ा सा हरा धनिया, भुजिया। देखिए अभी हमारे चना मसाला पाव जो कि झटपट तैयार हो जाते हैं। अगर आपके पास बॉइल्ड चना और बॉइल्ड पोटैटो पड़ा हुआ है तो फटाफट आप इसको तैयार करिए, बिल्कुल हैवी ब्रेकफास्ट है। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग हेल्दी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।